ये कुकर में क्या है, चने क्या? मेरे रसोड़े में मेरे कुकर के साथ मेरे गैस पे क्या कर रहे हो आप? मैं तो आप ही से मिलने आया था कि... बंद कीजिए। हाँ, ऐसे करें। बड़े आए, चलिए तशरीफ का टोकरा। प्लीज ना, आप नाराज मत होइए, बैठ के बात करते हैं। कुकर में चने के बने आ गए। हाँ नहीं, मुझे लगा वो इतना वायरल हुआ आपका, तो तब से मैंने सोचा कि जब से आपसे मिलूंगा तो मैं कुकर में चने चढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। ये मैं अपने करियर में पहली बार ये इंटरव्यू दे रही हूँ। रूपल पटेल, ये हम कोशिश करेंगे आज आपसे जानने की, अगर आप बताएंगी तो। हाँ, उसको ये फ्रॉक छोटा पड़ेगा तो मुझे फिर मिलेगा, मुझे मिलेगा। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। हेलो 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 हेलो। आपने पहले तो मुझे डरा दिया बहुत, बट लेकिन फिर आपकी जो स्माइल थी उसने सब ठीक कर दिया। कि तो नॉर्मली इतना गुस्सा था या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पर बात जब कुकर की होती है, अपने किचन की होती है, रसोड़े की होती है, तो मुझे लगता है कि हर औरत पजेसिव हो जाती है कि अरे मेरे रसोड़े में कौन है, बिकॉज दैट्स वेरी प्राइवेट प्लेस, वेरी पर्सनल प्लेस। तो अचानक अगर आप किसी को देखते हैं तो थोड़ी सी मतलब परेशानी हो जाती है, सुर ऊपर हो जाता है। लेकिन आपकी वजह से रसोड़ा और ये इतना मतलब इतना ट्रेंडिंग है, और सबसे बड़ी बात है कि आप सोशल मीडिया पे हैं। जी हाँ, मतलब आई थिंक द मोस्ट ट्रेंडिंग पर्सन इज नॉट ऑन सोशल मीडिया। आपकी जगह कोई और होता तो मुझे लगता है पता नहीं वो कितने पैसे कमा चुका होता, कितने अकाउंट्स बना चुका होता। मैं भी बहुत धनवान हूँ, मैंने दर्शकों का बहुत सारा प्यार पाया है, और वो भी निस्वार्थ। मैंने स्टार प्लस का ढेर सारा प्यार पाया है, और मैंने अपनों का प्यार पाया है, मैंने आप जैसे मीडिया लोगों का प्यार पाया है, क्योंकि वो हमेशा हाजिर हो जाते हैं, चाहे मैं सोशल मीडिया पर हूँ या शो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो रही बात सोशल मीडिया की, तो मुझे लगता है कि डेली सोप अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत कॉन्सेप्ट है कि आप मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे भी आते हैं, तो रोज़ दर्शकों के समक्ष हाजिर हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे लगता है दर्शकों को भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं फिलहाल सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। और एक अभिनेत्री के नाते मेरा काम है, मुझे स्क्रिप्ट मिल जाती है, पढ़ती हूँ, परफॉर्म करती हूँ, तो मुझे उतनी ज़रूरत अभी नहीं पड़ती है, पर जिस वक्त जरूरत पड़ेगी जरूर मैं सोशल मीडिया पर आ जाऊँ। ये बड़ा अच्छा सा आपने रखा है, क्या चाय है यार, और मैं तो एकदम चाय का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो चाय हो जाए, उसको पी के बताएंगे क्या चाय है। पहले रसोड़े में घुस गए, कुकर को उठा लिया, गैस को ऑन कर दिया, यहाँ भी बैठ गए इतनी ऊंची चेयर पे, अब डिमांडिंग है, अब कहते हैं चाय, चाय देना भाई। नहीं नहीं, आपको खाते में लिखने की या मुझे खाते में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चाय तो आप प्यार से पिला देंगे। चाय विद हम तुम जी, ओके, दैट्स ग्रेट। दूध मेरे लिए, दूध ज्यादा, पानी कम, मलाई मार के, वाह, तो ये वाली चाय है? जो भी आपको, जो भी आपको कौन सी पसंद है, आपको कौन सी? मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, चाय कॉफी नहीं पीती हूँ, नहीं के बराबर। ओके, और मतलब सेट पर तो वैसे भी नहीं मैं चाय कॉफी पीती हूँ, तो मतलब कभी थकान लगती है, कुछ लगती है, देन तब भी नहीं। इनफैक्ट मैं जब सेट पर रहती हूँ तो मैं सबसे ज्यादा फुर्ती में रहती हूँ, सबसे ज्यादा खुश रहती हूँ, और मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहता है। मैं कभी भी सेट पर जाते साथ ये नहीं पूछती हूँ कि मेरे आज कितने सीन्स हैं, मेरा कब पैकअप होगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास काम है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि दर्शक मुझे निस्वार्थ प्रेम दे रहे हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने सारे लोगों की गुड विशेष है मेरे साथ और वो मुझे देखना चाहते हैं किरदार में, तो मैं बहुत खुश होकर जाती हूँ। तो मैं चाय पानी वगैरह में मेरा ध्यान नहीं रहता है, और प्रभु की ऐसी कृपा है कि ढेर सारे सीन होते हैं एक दिन में, तो एक सीन के बाद दूसरे सीन, तीसरे सीन पर मेरा ध्यान रहता है, और इसलिए मैं फ़ोन भी नहीं लेकर जाती हूँ सेट पर, या मैं ऑफ रखती हूँ फ़ोन, और सीन पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है, स्क्रीन प्ले पढ़ती रहती हूँ, तो
जो इतना समय नहीं मिलता। आपने मुझे इंस्पायर कर दिया क्योंकि मैं चाय बहुत पीता हूँ। मतलब मैं खाऊं पीऊं कुछ नहीं लेकिन मुझे चाय चाहिए होती है, तो अब मैं भी कोशिश करूंगा कि चाय भी एकदम कम कर दूं, काम पे फोकस। मुझे लगता है कि शायद वो एक जरिया है अपने आप को रिलैक्स करने का, पर जो काम आपको बहुत पसंद है, जिसके लिए आप बहुत खुश रहते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद फिर बाकी चीजों की जरूरत नहीं महसूस। लीजिए ना चाय, आप ही का घर है। अच्छा, आपके घर में शायद कभी कोई इंटरव्यू हुआ नहीं? जी नहीं, ये मैं अपने करियर में पहली बार ये इंटरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि इसके कारण है, दो तीन कारण है कि एक तो है कि मैं अपने काम की जगह पर ही काम करती हूँ, और जो मेरा अपना स्पेस है, जो मेरी अपनी एक प्राइवेट प्लेस है या एक मेरा घर है, उसको मैं अलग रखती हूँ। चूँकि क्या होता है कि लंबे घंटे तक हम सेट पर रहते हैं, तो जब घर पर आते हैं तो पूरा समय घर पर घर वालों के साथ बिताना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि आई ऑलवेज यू नो कीप माई पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ वेरी डिफरेंट, तो मैं उसको क्लब अप नहीं करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि कुछ चीज़ें पर्दे में अच्छी लगती है, अगर हम हर चीज़ में अपनी दर्शकों के साथ शेयर करूँगी तो उनके लिए कोई नवीनता नहीं रहेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, बेटी है, बहन है, घर और रसोड़ा संभालती हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप सभी के सामने उजागर करना नहीं चाहेंगे, तो ये मेरा एक ऐसा नेचर है। और मेरी एक बहुत ही अच्छी मित्र है, और मुझे लगता है एकमात्र मित्र है, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, सब साथी कलाकार हैं, को आर्टिस्ट है, प्रोड्यूसर्स है और चैनल है, सब अपनी जगह पर है, काम की जगह पर है, पर एक मेरी बहुत ही परम मित्र है जिनको, जो मेरी एक फैमिली बन गई है, तो वो है चारुल मलिक। उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और आज उन्होंने मुझे कहा कि करते हैं रूपल जी, करते हैं, तो फैमिली है, मना नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं भी उनको अलग से थैंक यू बोलूँगा कि उनकी वजह से मुझे आपके घर में, आपके रसोड़े में एक्सेस मिला, जो कि मतलब ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे वायरल रसोड़ा है, ठीक है। आज तक किसी को पता ही नहीं था कि वो रसोड़ा है कौन सा जो इतना वायरल हो गया। मुझे लगता है कि रसोड़े से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप क्या खाते हैं, कैसे बनाते हैं, किन के लिए खाना बनाते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, मैंने ज़्यादातर लोगों से सुना है, मेरी माँ ये बहुत अच्छा बनाती है, या मेरे पापा ये बहुत अच्छा बनाते हैं, शायद आपके साथ भी ऐसा होगा, मेरे साथ तो है ही है ऐसा, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ऐसी क्या खास बात है, तो मुझे बहुत सोचने के बाद ये जवाब मिला कि उसमें जो प्यार होता है, निस्वार्थ प्यार होता है ना, वो खाने को बिल्कुल बेहतरीन बना देता है। और कहते हैं माता पिता से निस्वार्थ तो और कोई है ही नहीं, प्रभु और माता पिता सब एक ही स्थान पर है, तो रसोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कितने दिल से खाना बनाते हो, किन के लिए खाना बनाते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और सॉरी, और मेरा ये मानना है कि हमारे शरीर में खाना ही एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली हम अपने शरीर के अंदर उसको ग्रहण करते हैं, और उसके बाद उसी की वजह से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें विटामिन्स मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पवित्र जगह है रसोड़ा। वो होता है जैसे कई बार हम डाइटिंग करते रहते हैं आजकल खूब है, लेकिन जब मम्मी कुछ बनाती है ना तो बंदे को लगता है छोड़ यार डाइट, या पापा कुछ ले आए तो वो आप सोचते ही नहीं है, नहीं आपको 20 लोग दिन भर कन्विंस करेंगे कि खा लो, आप नहीं खाते, लेकिन वहां से जब आती है ना कोई चीज आप सब भूल जाते हैं, और आप जो है क्योंकि वो उसका टेस्ट ही अलग है। निस्वार्थ प्रेम है वो, एक सकारात्मक वाइब्रेशंस है जो बहुत रेयर है मुझे लगता है। अच्छा, आपके बारे में बहुत कम चीजें लोगों को पता है, बहुत कम, मतलब मैं रिसर्च भी कर रहा था तो आपने बातें ही बहुत कम की हैं अपने बारे में, मतलब साथिया के थ्रू और बाकी आपने जो भी काम किया उसके थ्रू लोग आपको जानते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एज अ कैरेक्टर जानते जी, कोकिलाबेन कौन है जी, ठीक है, लेकिन रूपल पटेल कौन है, ये हम कोशिश करेंगे आज आपसे जानने की, अगर आप बताएंगी तो। मैंने अपने बारे में ज्यादा इसलिए भी नहीं कहा क्योंकि प्रभु की ऐसी कृपा है कि मैंने जो भी शोज किए हैं
उसमें मुझे बहुत सारे सीन्स मिले, बहुत अहम किरदार मिला और बहुत बोलने का भी मौका मिला और नौरस उसे भी उजागर करने का मौका मिला। तो सारी चीज़ें दर्शकों के सामने बहुत निस्वार्थ रूप से प्रेम से मैंने परोसी है, तो मुझे लगता है कि बस उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम आजकल तो आप सब लोग डिटॉक्स का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं इतना करके थोड़ा उन्हें भी डिटॉक्स के लिए स्पेस देना चाहिए और एक अभिनेत्री के तौर पर मुझे भी अपने आप को एक स्पेस देना चाहिए, क्योंकि आप अमित हैं, आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं कोकिला मोदी मैंने किरदार किया और अब मैं रूपल पटेल हूँ, तो कहीं ना कहीं हम दो किरदार निभाते हैं, एक अपना और एक बाहरी। तो जो बाहरी किरदार है उसे परफॉर्म करने में आप रोते हैं, हंसते हैं, गुस्सा करते हैं, आप झगड़ा करते हैं, आप गाना गाते हैं, डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो एक दूसरे चरित्र को जीते हैं। तो जब आप वापस घर लौटते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें छोड़कर अपने जो किरदार में आना है, दैट इज़ वेरी टायरिंग एंड वेरी टफ प्रोसेस। तो मुझे ये लगता है कि जो दर्शक के समक्ष में आती हूँ एक अभिनेत्री के रूप में, और उसके बाद जब मैं रूपल बनती हूँ तो वो मेरे परिवार के लिए या चारुल मलिक के लिए या फिर मेरे अपनों के लिए, तो मुझे लगता है कि वो एक ब्रीदिंग स्पेस ऑडियंस के लिए भी है और मेरे लिए भी है। इसीलिए मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरे अपने हैं वो जानते ही हैं और दर्शक मेरे किरदार के बारे में, मेरे परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि और मैंने जैसा कि पहले कहा कि कुछ चीज़ें पर्दे में भी अच्छी लगती है, अगर मैं अपनी सारी चीज़ें उनको बता दूंगी तो जब मैं एक नए किरदार के साथ आऊंगी तो शायद उनको वो नयापन ना लगे, शायद उनको ये लगे कि नहीं ये तो मतलब वो रोज़ करती हैं या इनको तो ऐसे करते हुए देखा है। तो एक एक सरप्राइज एलिमेंट, एक एक्साइटमेंट एलिमेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि मैंने प्रशिक्षण लिया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, NSG से, और मैंने फेलोशिप भी की है ड्रामेटिक्स में, तो हमें बहुत गहराई से ये सारी बातें सिखाई जाती है कि जैसा आपने कहा चाय वगैरह का, तो मेरा प्रशिक्षण इतना साइंटिफिक वे में हुआ है, इतना लंबे काम का अनुभव रहा है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि NSG में मुझे दाखिला मिला और वर्ल्ड के इतने फेमस टीचर्स के साथ मैंने काम किया। तो एक एक माइंडसेट है, एक सिंसियरिटी है, एक पंक्चुअलिटी है और एक डेडिकेशन डिवोशन, तो उसके साथ हम एक किरदार में घुसते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं आम जीवन में रूपल हूँ तो बहुत कैजुअल हूँ या जैसी मैं हूँ, तो कभी कभी किन्हीं दर्शक की भावनाओं को ठेस न पहुँचा दूँ या कभी कभी अपने कॉन्सेंट्रेशन को डाइवर्ट नहीं करना चाहती हूँ कि नहीं आज मुझे ये दर्शकों के सामने ये करना है और आज मैं ये किरदार कर रही हूँ, तो कभी कभी ये भी होता है कि आप किरदार के बारे में छोड़कर फिर आप इस तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मुझे लगता है वो बेईमानी है। मेरा नियम है अमित जी के, मैं सेट पर जाती हूँ तो मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि चैनल प्रोड्यूसर टेक्नीशियंस हमारे को आर्टिस्ट सारों का समय बहुत कीमती है और हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी के भी समय को नष्ट करें। और ये जिन्होंने मेरे साथ काम किया वो सभी लोग जानते हैं कि मैं सेट छोड़कर कभी नहीं जाती हूँ, सिर्फ मुझे अगर चेंज करना है तो मैं जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं सेट पर ही रहती हूँ। क्योंकि इसके दो कारण हैं कि एक तो समय की बर्बादी नहीं होती, क्योंकि जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो आपको अपने रूम में बुलाने आएंगे, फिर आप पता नहीं बैठे हैं पानी पी रहे हैं कुछ खा रहे कुछ कर रहे, तो वो फिर आप वो छोड़ कर फिर आप वापस सेट पर आओगे, तो एक तो समय भी है और दूसरा आप अपने किरदार को छोड़ देते हैं। व्हेन यू आर नॉट ऑन सेट आई फील दैट व्हेन यू गो टू मेकअप रूम तो आप रूपल या आप अपना किरदार में आ जाते हो, तो फिर वापस उस किरदार में आना फिर वो परफॉर्म करना, सो यू टेक मोर टाइम फॉर रिहर्सल्स और रीटेक्स विच इज़ नॉट राइट आई फील, एंड दैट्स द रीज़न आई नेवर लीव माई सेट। अच्छा, मुंबई में ही पैदा हुआ है? जी हाँ। तो बचपन किस तरह का था, मम्मी पापा में से कौन डांटता था या किस तरह के स्टूडेंट थी आप? मेरे मम्मी पापा बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत धार्मिक, और कभी उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की या कभी उन्होंने मारना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हाँ पापा से बहुत सारी चीज़ें सीखी। पापा हमेशा
कहते थे कि ऐसे करना है वैसे करना है, या मैं बहुत उत्सुक रहती थी बचपन से ही, तो मैं हमेशा पापा से पूछती थी कि अरे पापा ऐसे क्यों कर रहे हो या वैसे क्यों कर रहे हो, कि कभी पापा गाड़ी लेके निकले और पड़ोसी में अंकल भी निकले, वो पीछे से निकले तो पापा गाड़ी रोक लेते थे और उनको जाने देते थे, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होती थी। मैंने कहा पापा आप ऐसे क्यों करते, तो बोले कि कार चलाने के भी एक मैनर्स होते हैं, आप अगर वो परिचित हैं हमारे पड़ोसी हैं इतने साल से हमारे साथ उनका संबंध है, तो आपको उनको रिस्पेक्ट देना है, अगर आप दो गाड़ी को थोड़ा रोक के उनको पहले जाने देंगे तो इट्स काइंड ऑफ यू नो रिस्पेक्ट यू आर पेइंग। तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं पापा से। पापा हमेशा कहते थे कि तुम सबका सपना काजू का देखो तब जाके मूंगफली तक पहुंच सकती हो, पर तुम पहले ही मूंगफली का सपना देखोगी तो तुम कहाँ पहुंचोगी। पापा हमेशा कहते थे कि एक ही रास्ता होता है मेहनत का, बाकी सब प्रभु पर छोड़ दो, तो मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो बहुत कुछ चीज़ें उनसे इतनी सीखी है कि वो मेरा जीवन चरित्र बन गया है। तो बचपन से ही मैं बहुत डेडिकेटेड और बहुत ही स्पष्टवादी रही हूँ, पापा की तरह हूँ मेरा स्वभाव, और दिखने में मम्मी की तरह हूँ। मम्मी धार्मिक है तो पूजा पाठ में मैं बहुत विश्वास रखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उससे एक सकारात्मक शक्ति बल मिलता है और आपका मन जागृत रहता है, आपका मन कहता है कि ये सही है या ये गलत है, तो आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, और पढ़ने में बहुत होशियार थी मैं कि स्कूल का होमवर्क मुझे मिलता था और घर आके हाथ पैर धो के दिया लगा के प्रभु का शाम में आती थी, मेरा होमवर्क हो जाता था। मम्मी परेशान रहती थी कि भाई इससे होमवर्क कर लिया, क्योंकि पेरेंट्स की सिग्नेचर चाहिए, तो मैं परेशान रहती थी कि मम्मा साइन कर दो साइन कर दो साइन कर दो, इतना 9 बज गए आप साइन कर दो। सो कहीं ना कहीं वो एक प्रभु की कृपा रही है। बचपन बहुत I am born and brought up in joint family. So, हम लोग 15 to 20 people in one house, huge house in Bombay. तो बहुत प्यारी चीज़ सीखने मिली है कि बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार और adjustment. Let go. Right. आपको करना ही है। आप आजकल न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो गई है, तो माँ बाप भी बच्चे की हर जिद पूरी करते हैं कि या मांगने से पहले कर देते, पर मैंने ऐसा समय देखा है कि जहाँ पे हम राह देखते थे कि बड़ी बहन मेरी चाचा की बेटी कज़िन, मतलब वो ऐसा कभी नहीं था कि चाचा की बेटी है या ऐसे बहन है, हाँ उसको ये फ्रॉक छोटा पड़ेगा तो मुझे मिलेगा। सो वी यूज्ड टू वेट फॉर दैट, अच्छा उसकी बुक्स, अब वो जा रही है 9th में, अब मैं 8th में आऊँगी, उसकी बुक्स, वो तो पढ़ने में होशियार है, उसने मार्किंग की होगी, इम्पोर्टेंट सब लिखा होगा, तो इस तरह से वी यूज टू लुक फॉरवर्ड। और सभी बच्चों को साल में दीपावली में हमें कपड़े मिलते थे, वो 2 जोड़ी लो या 4 जोड़ी, पर साल के वो उतने ही थे। इट वॉज नॉट लाइक दैट कि पैसों को ध्यान में रखते हो या बजट को ध्यान में रखते, पर एक डिसिप्लिन लाइफ हमने देखी है। पापा और चाचा दादी ये सब लोग हमेशा ये कहते थे कि आपके पास पैसे हैं तो जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करके बचत भी करें, क्योंकि कल किससे देखा है, प्लस एक हिस्सा उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जिनकी आपको सेवा देनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें सीखी, और मुझे लगता है कि इतना अच्छा एक ब्रॉटअप मिला है कि जब मैं कोई किरदार करती हूँ, जैसे कोकिला किरदार में मुझे याद आ रहा है कि घी बनाना था, तो पवन सर जो हमारे डायरेक्टर थे, रश्मि मैम भी थी, तो परेशान हो गए पवन सर, अरे मैम आपको घी बनाने आता है, तो मैंने कहा सर मुझे आता है, ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, तो बोले मैं देखता हूँ, मैं टेक करूँ, मैंने कहा हाँ सर कीजिए, एंड द वे यू नो आई मैनेज्ड इन रसोड़ा, पवन सर लिटरली इतने खुश हैं, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था रूपल जी कि आपको पता होगा। तो बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, और वो नेचुरल फ्लो आता है जब आप परफॉर्म करते हैं। हमने बचपन से रसोड़े में काम किया, इसलिए जब भी रसोड़े के सीन आते हैं, पूजा के सीन आते हैं या फैमिली के सीन आते हैं, तो वो सहजता आ जाती है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा हुआ करता था? आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे? ये मैं जरूर जानना चाहूं। मैं हिंदी के लिए अपने अपने जो जीवन साथी है राधा कृष्ण दत्त, वो भी NSG के हैं और कलाकार हैं, मैं उनको श्रेय देती हूँ, और क्योंकि वो हिंदी भाषी, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, उर्दू अच्छी है, तो उनके उनके मार्गदर्शन में और कुछ अपनी मेहनत से
मैंने बहुत मेहनत की भाषा के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमें एक्टिंग करना है और हम आ गए, बिल्कुल आ जाए, पर आपकी तैयारी क्या है? तो मैं जब डायलॉग शुरू में बोलती भी थी तो आर के माई हस्बैंड ऑलवेज यूज टेल मी रुपल, थोड़ा सा तुम्हारा मीटर है वो हिंदी भाषी जैसा नहीं है, वो थोड़ा सिंग सॉन्ग में, बिकॉज मैं गुजराती हूँ तो मेरा पैटर्न सिंग सॉन्ग में आता था। वो बड़ी बारीकी से मुझे बताते थे क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था, सो उन्होंने बहुत मेरा करेक्ट करवाया। कुछ जो साथिया में भी शब्द बोलती थी, आई लिटरली यूज टू कॉल हिम एंड आस्क हिम, मुझे इसका पूरा हिंदी शब्द बताओ प्लीज, तो मुझे अच्छा लगेगा। सो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है जीवन साथी का ये फायदा है कि आप जिसमें कमजोर है वो आपका साथी अगर उसमें मजबूत है तो वो आपको पूरा कर देते। और प्लस उसके बाद मैं हिंदी बोलती थी, रिकॉर्ड करती थी, सुनती थी, करेक्ट करती थी, और फिर मैंने प्रण किया कि ज्यादा से ज्यादा मैं हिंदी में बात करूँ, क्योंकि मैं, मेरे काम करने का क्षेत्र हिंदी है, तो फिर इंग्लिश या गुजराती बोल के मुझे लगता है हिंदी बोलूंगी तो मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा, बचपन में ही आपने कब सोचा था कि मुझे एक्टिंग में जाना, व्हेन यू थॉट कि हीरोइन बनना है या एक्टिंग करनी? टू बी ऑनेस्ट मुझे याद ही नहीं है, मैं जो मेरी जानकारी है मुझे लगता है स्कूल में मैंने पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली मैं डिबेट में बहुत पार्टिसिपेट करती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि सब्जेक्ट दे दिया या ऐसे लिखना या ऐसी ऐसा कोई कंपटीशन जहाँ पे मैं अपनी मन की बात कर सकूँ या लिख सकूँ या बोल सकूँ, या आई ऑलवेज यू नो लव कि आप मुझे इम्प्रॉम्प्टू कुछ पूछिए और मैं उसको एलाबोरेट करूँ या अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसमें एक ईमानदारी आती है। अगर अब मुझे पहले से सारी चीज़ें पता हो तो शायद फिर मैं ये सोचूं नहीं इसको बुरा लगेगा या उसको ये लगेगा, तो थोड़ा सा बायस्ड पन आ जाते। तो मुझे बचपन से याद है आई ऑलवेज यूज टू लाइक ऑल द डिबेट कॉम्पिटिशन्स एंड यू नो ग्रुप डिस्कशंस होते थे, क्विज होते थे, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अगर अभिनय में नहीं आऊँगी तो क्या करूँगी। माइंडसेट ही वैसा हो गया कि वहीं जाना है। तो जब वहीं जाना है तो फिर पापा ने कहा कि यू बीइंग गर्ल नाउ यू हैव टू ऑप्शंस बिकॉज यू शुड नो योर वर्क, देन ओनली यू कैन टेक अप एज प्रोफेशन। तो तुम्हें इसी प्रोफेशन में जाना है? सो आई सेड या। सो ही सेड कि दो चीज़ें हैं, या तो फिर आप बॉम्बे में जो बहुत सारे थिएटर ग्रुप हैं उनको ज्वाइन करके 2-3 साल कुछ इस तरह से आप ट्रेनिंग लो, अदरवाइज ही टोल्ड मी दैट वाई डोंट यू ज्वाइन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और क्योंकि उस वक्त FTM में एक्टिंग का नहीं था डिपार्टमेंट, कुछ समय के लिए बंद था। तो मैंने कहा पर ऐसा क्यों है, मतलब मैं तो सीख जाऊंगी करते करते। तो उन्होंने कहा करते करते सीख जाऊंगी, उसे बहुत सारा समय निकलेगा। यू बीइंग गर्ल व्हेन यू डोंट नो योर वर्क यू माइट गेट एक्सप्लॉयटेड, इट्स नॉट दैट वे कि आप फिजिकली एक्सप्लॉयटेड हो, पर आपको मिसगाइड कर दिया जाएगा या आपको अलग सपने दिखाए जाएंगे, फिर आप वहां जाके परेशान हो जाओगे। बट व्हेन यू नो योर वर्क तो आप में एक आत्मविश्वास होगा और आप में एक पैशन होगा, एक जिद होगी और एक आपको एक पहचान होगी कि वेदर दिस पर्सन इज सेइंग राइट, वेदर दिस कैरेक्टर इज राइट और रॉन्ग। तो इसीलिए देन आई डिसाइडेड टू गो बाय साइंटिफिक ट्रेनिंग, पर उसमें भी मेरी जिद थी कि एक बार ट्राई करूंगी पापा, एक बार हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। आसानी से होता नहीं NSD में, आसानी से नहीं होता है, बट आई फील दैट मैंने कहा ना आई एम ब्लेस्ड वन, आई एम रियली 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 ब्लेस्ड बाय गॉड कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया और दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। हमने NSD की रेपर्टरी में भी काम किया? जी नहीं, मुझे NSD से काफ़ी कहा गया था कि NSD के बाद की रेपर्टरी ज्वाइन करें, पर मुझे ये लगा कि जब मैंने इतनी मेहनत से 3 साल एक सीखा है और जब समय आया है कि उसको बाहर निकल कर उसको अप्लाई करना है, एक सुरक्षित वातावरण में रही थी 3 साल, तो फिर तो एक इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए कि हमें अपने बलबूते पर जो हमने सीखा है हम बाहर निकले और कोशिश करे, और प्रभु ने साथ दिया। तो NSD के बाद बॉलीवुड गई हैं, फिल्में की आपने पहले? मैंने एक्चुअली NSD में करते हुए मेरा एक प्ले सही परांजपे के एक उनके प्रोडक्शन मैनेजर या उनके कोई
टेक्निकल स्टाफ था उन्होंने देखा. ओके. तो फिर जब सई मैम कर रही थी एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म कर रही थी, तो उनके यहाँ से कॉल आया, तो मैं बड़ी सरप्राइज हुई. फिर उन्होंने उनसे मिली सई प्रांजल पे, तो सच अ बिग एंड ह्यूज पर्सनालिटी, सच अ टैलेंटेड पर्सन. तो उन्होंने कहा कि प्ले देखा था और हम मुझे तुम्हारी याद आ गई. तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि आप पोर्टफोलियो बनाइए या ये कीजिए. फिर सही, फिर जब एनएसजी से आई तो एक जोश था, एक कॉन्फिडेंस था. तो श्याम बाबू को, श्याम बेनेगल सर को कॉल किया कि सर रूपल पटेल बात कर रहे हो, एनएसजी से आई हूँ और सर एक हफ्ता हुआ है आपसे मिलना है. अच्छा, बैक ऑफ माइंड ये था कि सर तो बिजी है, वो कहाँ मुझे बुलाए. बोले आ जाओ, कल आ जाओ ऑफिस. उन्होंने बुलाया और उन्होंने अंतर्नाद फिल्म में मुझे इंट्रोड्यूस किया. बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे अच्छे कलाकार उसमें थे. और श्याम बाबू तो अपने आप में इतने ह्यूज इंस्टीट्यूशन है कि मैं उनको देखती रहती थी कि किसी भी विषय में वो बोलते थे, उनकी जानकारी. और वो भी बहुत डेडिकेटेड थे, श्याम बाबू सई परांजपे. सो आई वॉज फॉर्चुनेट टू वर्क विथ ऑल द टैलेंटेड पीपल एंड सिंसियर पीपल. और श्याम बाबू का या सही मैम का भी यही था कि जो लिखा है उसको प्रॉपरली बोलिए. तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग मिलती रही मुझे अच्छे लोगों के साथ काम कर करके, मैंने बहुत ग्रो किया है. अच्छा, स्टार्टिंग का जो फेज रहा जी, आपका कमर्शियली उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जी, तो कभी ऐसा हुआ कि मन उदास हो गया, टूट गया कि यार मतलब एनएसडी भी कर लिया, अच्छे से पढ़ के भी आई हूँ, काम भी आता है, लेकिन देन वो सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि अनलेस एंड अनटिल आप कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होते, आपको एक्टर स्पेशली लोग आपको सक्सेसफुल नहीं, बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, बट जब तक वो एक कोई किरदार ऐसा नहीं हो जाता तो वो मतलब कहीं ना कहीं आज भी कई एक्टर्स अपने एक ही किरदार से जाने जाते हैं, खासतौर पर टीवी के. जी. तो कभी दिल टूटा कि मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहूंगी अमिताभ से कि जब एनएसडी भी ज्वाइन किया या जब बचपन में थी, मेरा एक ही सपना था, आई डोंट नो व्हाई, टीचर बनूंगी, एक्टिंग सीख के टीचर बनूंगी. अच्छा. तो मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि एक्ट्रेस और बॉलीवुड और टीवी और ये सब. और मैंने कहा ना, जॉइंट फैमिली थी तो हम बहुत प्यारे तरीके से एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली, रिलीजियस फैमिली, और सारे फंक्शंस फैमिली के साथ. तो एक ब्रॉटअप भी ऐसा था, एक माहौल भी ऐसा था, और सोच भी, मेरा सपना भी ये था कि अभिनय सीखूंगी और सिखाऊंगी मैं कि देखो ऐसे एक्टिंग करनी होती. तो जब एनएसडी के बाद आई तो मैं यही सोच रही थी कि थिएटर में कुछ ज्वाइन करूंगी, थिएटर ग्रुप, और कुछ उसमें भी हम जो न्यू कमर्स आते हैं सिखाएंगे, कुछ परफॉर्म भी करूंगी, एक्टिंग भी करूंगी. पर कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने कहा, श्याम बाबू से फ़ोन किया या सई परांजपे मैम ने तो सामने से बुला लिया, तो एक काम से दूसरा काम ऐसे मिलता गया कि मेरे जहन में कभी वो सपना था ही नहीं कि मुझे कमर्शियली या आर्टिस्टिक वे में. तो मैं तो इतनी खुश थी कि इतने अच्छे लोगों के साथ मैं सीख रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ. तो मेरा सपना बहुत छोटा था कि ठीक है पढ़ा ये है. उसके बाद जब शादी हुई तो मैं इतनी खुश हूँ कि हमने 14 साल बच्चों का थिएटर किया, जहाँ पर बच्चों को एक्टिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स के द्वारा उनके साथ मैंने काम किया. तो अगेन बच्चे, मासूमियत, इनोसेंसी, और उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता था. मेरा सपना भी साकार हो रहा था और साथ में मुझे शोज एक के बाद एक मिल रहे थे, शगुन मिला या जो भी शोज मैंने किए, तो वो भी करती रही. और उस वक्त इतनी ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी कि आपको डेट्स की प्रॉब्लम है या आपको छोड़ेंगे नहीं प्रोड्यूसर या आप ये नहीं कर सकते, सब चीज़ आराम से एडजस्ट हो जाती थी. तो आई एम ऑलवेज हैप्पी. वो कभी अभी आप पूछ रहे तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छा, तो भी दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि टीवी कर रही हूँ, करूँ या नहीं करूँ, मैं तो इधर फिल्मों में भी काम कर रही हूँ, टीवी करना चाहिए. कोई शुरू से ये था कि फिल्में, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कमर्शियल फिल्म या आर्टिस्टिक फिल्म थी, तो मेरा जुड़ाव तो अपने आप ही एक श्याम बाबू के साथ
और सही मैम के साथ हो गया, और उसके बाद मुझे डेली सोप मिला तो मुझे समय ही नहीं मिला, और कभी ये जहन में नहीं आया कि अरे फिल्म टीवी ऐसा कुछ नहीं। मैं खुश इसलिए थी कि मुझे सीखने मिल रहा है, नए किरदार करने मिल रहे हैं, दर्शकों के सम्मुख आ रही हूँ और साथ में थिएटर भी कर रही हूँ, तो उतना सा मेरा एक एक यू नो वर्ल्ड था, एक दुनिया की एक्सपेक्टेशन कम रखी आपने। हाँ, मतलब आपने अपने सपने जो हैं वो लिमिटेड रखे। वो इसलिए भी रखे कि मुझे ऐसा लगता है कि एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा सोचूंगी तो कहीं ना कहीं तकलीफ भी हो जाएगी और जो क्षमता है शायद उसे भी ना पूरी कर सकूं, तो इस तरीके से। तो कभी ये सोचा ही नहीं कि मैंने स्विच किया है, मैंने फिल्म से टीवी में स्विच किया, ऐसा कभी नहीं। हाँ, एक दौर था क्योंकि शुरू में दूरदर्शन था, राइट। दूरदर्शन तो जब हम लोग आया तो बड़ा अच्छा लगा, और आलोक जी हैं और उसमें नीना गुप्ता मैम थी, बहुत सारे नामी और अच्छे कलाकार थे, तो एक लगा कि हाँ। और हम बचपन में मराठी फिल्म बहुत देखते थे क्योंकि सैटरडे को मराठी फिल्म आती थी और संडे को हिंदी फिल्म आती थी, तो एक मराठी थिएटर, मराठी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि मराठी में बहुत सारे एक्सप्लोर करते हैं टॉपिक्स। तो जब दूरदर्शन पे हम देखते थे कि देख भाई देख, या रत्ना पाठक और सुप्रिया मैम दोनों सिस्टर का एक शो आता था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वो सारे देख सारा भाई वर्सेस सारा भाई, आई डोंट रिमेम्बर दैट, सारा भाई वर्सेस सारा भाई नहीं, एक और था एरोस्टेस या पता नहीं ऐसे कुछ नाम था, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मुझे लगता है कि वो दौर तो ऑलरेडी था ही दूरदर्शन का, और बहुत अच्छे टीपू सुल्तान, श्री कृष्णा, कितने अच्छे अच्छे शोज, बिया चोपड़ा साहब के महाभारत, तो हम ये कभी नहीं, मैं तो ये कभी नहीं मान सकती हूँ कि टीवी का दौर नहीं था। दौर नहीं, क्योंकि जो कुछ एक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि जो फिल्म वाले एक्टर थे वो टीवी की तरफ नहीं आते थे पहले। हाँ, दौर तो था बट एक्ट्रेस को कहीं ना कहीं था कि आपने कभी उस वक्त आमिर खान को टीवी पे नहीं देखा था, उस वक्त शाहरुख खान या जो ए लिस्टर्स थे या उस तरह के एक्ट्रेस कभी टीवी पे नहीं आते। बच्चन साहब ने जो शुरू किया केबीसी, उसके बाद फिर सलमान भी आए, फिर सब लोग आने शुरू। मुझे लगता है कि एक टीवी, उसके बाद फिल्म, उसके बाद सोशल मीडिया, मतलब धीरे 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 से सारे बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे आने लग गए, और धीरे धीरे टीवी की प्रसिद्धि बहुत बढ़ती गई, और कुछ एक कलाकार है जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके काम में भी एक स्टेग्नेंसी आ गई थी, मोनोटोनी आ गई थी, और जब उन्हें भी ये पता चला कि टीवी इतना प्रसिद्ध है, इसका रीच इतना ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी टीवी में आके ज़्यादा फायदा उनका हुआ है बल्कि टीवी का नहीं हुआ, क्योंकि टीवी तो ऑलरेडी प्रसिद्ध था, बहुत रीच गांव-गांव में। मैं तो अभी स्पिटी काजा गई थी और हाईएस्ट माउंटेन या हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, पर वहां पे भी लोग मुझे पहचानते, अरे कोकिला मोदी, कोकिला मोदी, तो मैं बहुत खुश होती थी इस बात को लेकर, खुश होती थी कि टीवी कहाँ कहाँ पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जो प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार है उनको भी ये जानकारी थी कि टीवी की प्रसिद्धि रीच ज्यादा है, तो उनका आना भी बेहतर होगा, इसीलिए शायद वो जुड़े होंगे, मुझे नहीं पता है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि टीवी का अपना स्थान है, टीवी के कलाकारों का अपना स्थान है, उनका अपना बल है कि लोग उन्हें प्यार करते हैं, लोग टीवी देखते। पर मुझे ये लगता है कि वो मेरी गलती थी कि इतने बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अगर आपको अप्रोच कर रहे तो आपको फर्स्ट मीटिंग में ही मिलना चाहिए, तो वो मुझसे गलती हुई। लेकिन मैं थी, तुम थी, तुम थी, मैं थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? मैंने कहा, मैंने ऐसे डायलॉग बोला ही नहीं, अच्छा मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने कहा, यशराज जी बोले, बोले हाँ। मैंने कहा कि मैं रूपल पटेल बात, हाँ मैम, हाँ मैम। अच्छा, वो थोड़े से डरे हुए से लगे, और मुझे ये कभी नहीं बताया गया था प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ये टाइटल रोल है। और हाँ, मेकअप मैं खुद से करती थी। मुझे स्टेज पे बुलाया और मुझे नहीं पता था, और अचानक एक ब्लाइंड गाय केम विद द स्टिक एंड वो स्टेज पर आए, तो मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई, रामू सीता चाय लेकर आओ या ये, तो हम वो छोटे मोटे किरदार करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता है, वो ट्रेनिंग पॉइंट है हमारा। लेकिन सीनियर है और इस औहदे पे तो डर ही लगता था, हमको आज भी डर लगता है, लोग मानेंगे नहीं लेकिन डर तो लगता ही है।